Assalamu alaikum, dear students. We are discussing the last topic of the first chapter of political science, power sharing. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग या टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो हमारे पास चार किस्म के टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग है. पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, पावर शेयरिंग among different social groups and power sharing among political parties, pressure groups and movements. Students, you know, the power sharing has emerged in opposition notion of undivided political power. आपको पता है power sharing का concept कब develop हुआ? पहले सोचा जाता था कि जो power है it should be undivided. ये power जो है ये divide नहीं होना चाहिए. It should be concentrated at one place or सर्टन पर्सनस आर सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे डिक्टेटरशिप में होता है. तो क्योंकि वजह क्या देते थे कि क्यों पावर एक ही के पास क्यों क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि अगर हम पावर को बांटेंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिसीजन मेकिंग में जो जो फैसला लेना होगा गवर्नमेंट को, तो उसमें वक्त लगेगा, उसमें क्विक डिसीजन नहीं आएंगे. लेकिन ये नोशन जो है ये चेंज हुई जब कंसेप्ट आया डेमोक्रेसी का. तो डेमोक्रेसी में जो आपको पता ही है कि देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स, देयर इज शेयरिंग ऑफ पावर्स. तो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट जब आया तो शेयरिंग ऑफ पावर का कंसेप्ट जो है डेवलप हुआ. तो मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात अगर हम करेंगे, आजकल के ज़माने की बात करेंगे, तो पावर शेयरिंग हमारे पास चार किस्म है, जैसे अभी हमने देखा, एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, एमंग डिफरेंट लेवल्स, सोशल ग्रुप्स एंड पोलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड मोमेंट्स. Now, first we will discuss power sharing among different organs of government. तो power sharing जब हम organs में देखते हैं, organs of the government, तो हमारे पास तीन organs हैं, legislature, executive and judiciary. क्योंकि आप देख रहे हो legislature, executive and judiciary जो है ये एक ही level पे हैं. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है, लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना है, एग्जीक्यूटिव का काम है टू एग्जीक्यूट दोज लॉज, एंड जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट दोज लॉज. अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आप देख रहे हो एक ही लेवल पे हैं, सेम लेवल पे हैं, तो इसको हम हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग भी कहते हैं, क्योंकि हॉरिजेंटल लेवल पे हैं, ये वर्टिकल में नहीं है, हॉरिजेंटल है, एक ही लेवल पे हैं, तो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग इसको हम कहते हैं. इट इंश्योर सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग ऑर्गन्स एट सेम लेवल सो दैट नो नन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर. क्योंकि ये सेम लेवल पे हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो इससे क्या होता है कि ये एक दूसरे पे नज़र रखते हैं, ताकि एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर इस्तेमाल नहीं करेगा. अगर कोई ऑर्गन बाहर जाएगा, ज़्यादा पावर इस्तेमाल करेगा, तो दूसरा ऑर्गन उसको रोकेगा. एग्जीक्यूटिव अगर ज़्यादा करेगा इस्तेमाल, लेजिस्लेचर करेगा, तो जुडिशरी रोक लेगी. तो इसी तरह से वाइस वर्सा होगा. तो ईच ऑर्गन चेक्स द अदर विच रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर. क्योंकि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करती है पावर उसको, तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पावर रहता है. इसको हम चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं. तो इस तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस रहता है एट डिफरेंट ऑर्गन्स. नाउ वी विल गो फॉर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स. तो हमारे पास तीन लेवल है हिंदुस्तान में, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं. तो इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, आप देख रहे हो कि वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है. यूनियन है, स्टेट है, लोकल गवर्नमेंट है. तो जब ऐसा होगा, इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स भी कहते हैं, फेडरलिज्म. आपको पता है फेडरलिज्म क्या, किसको हम कहते हैं? फेडरलिज्म सिंपल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एट डिफरेंट लेवल्स. सो वी हैव थ्री लेवल्स इन द इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. सो देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, जैसे एग्जाम्पल इंडिया की है. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तीन लेवल्स में है. अगर हम 1992 की बात करें, उससे पहले यहाँ हिंदुस्तान में दो ही लेवल थे, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन 1992 के बाद 73rd एमेंड, 74th एमेंडमेंट जब आई, तो पंचायत्स आ गई, म्यूनसिपलिटीज़ आ गई, तो इनके अलग पावर, इसको लोकल गवर्नमेंट. तो अब यहाँ तीन हैं, यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. तो फेडरलिज्म है. अगर हम बेल्जियम की बात करेंगे, वहाँ सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट की जगह. लेकिन बेल्जियम ने ऐसा किया, वहाँ फेडरलिज्म है, वहाँ डिफरेंट लेवल्स में पावर शेयरिंग हुई, तो वहाँ अमन आ गया. लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया. श्रीलंका में आपने देखा, वहाँ मेजॉरिटेरियनिज्म है. तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे
हॉरिजेंटल और वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो हॉरिजेंटल किसको कहते हैं, यहाँ हियर पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइज ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइज ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर होता है, यहाँ डिफरेंट लेवल्स में, यहाँ जो है ऑर्गेनाइज ऑफ द गवर्नमेंट आर प्लेसड एट द सेम लेवल, ये एक ही सेम लेवल पे है, यहाँ जो है हायर एंड लेवल है क्योंकि यूनियन हायर पे है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद लोकल है। तो तीसरी डिफरेंस इसमें है, हियर ईच ऑर्गन चेक्स अदर, यहाँ एक ऑर्गन दूसरे को चेक करता है, लेकिन यहाँ क्या करता है, यहाँ हियर लोअर ऑर्गन वर्क्स अंडर, लोअर ऑर्गन हायर ऑर्गन के अंडर काम करता है। उसके बाद पावर शेयरिंग जो है एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं। अब हमारे पास बहुत सोशल ग्रुप्स हैं, अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान एक मल्टी रिलीजियस मल्टी इथनिक कंट्रीज़ है, यहाँ मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स हैं। तो दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग जो है इन सोशल ग्रुप्स में, इट इज़ प्रैक्टिस एस्पेशली इन मल्टी एथनिक सोसाइटी व्हेन पावर इज शेयर्ड इन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, यहाँ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में पावर शेयर करते हैं। इन सम कंट्रीज सोशली वीकर सेक्ट, कुछ मुल्कों में जो सोशली वीकर सेक्शनज हैं, वुमेन्स वगैरह हैं, दे आर रिप्रेजेंट इन लेजिस्लेचर, उनको लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में लिया जाता है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, यहाँ भी हमने औरतों को पंचायत में शेयर देता है 33%, लेकिन अभी पार्लियामेंट और असम्बलीज में नहीं हुआ है। तो इसी तरह से हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखे हैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की असम्बलीज में, ताकि जो माइनॉरिटी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनको भी फेयर शेयर मिले, उनको भी पावर शेयरिंग मिले, उनके भी MLAs बने, उनके भी मिनिस्टर्स आए। तो अगर हम इस कस्म की सोशल ग्रुपिंग में जो एग्जाम्पल लेंगे, तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम में। आपने देखा बेल्जियम में मुख्तलिफ इथनिक ग्रुप्स थे, वहाँ बेल्जियम्स थे, वहाँ फ्रेंच थे, वहाँ जर्मन्स थे, तो हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, तो उनके अलग अलग पावर्स दिए हमने, एजुकेशन रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड पावर्स हैं। तो दिस इज़ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट, दैट इज पावर शेयरिंग अमंग पोलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो हमें पता है जो डेमोक्रेसी है, जो सिटीजन्स है, दे हैव फ्रीडम टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस कंटेंडर्स पावर। हमें पता है कि जो सिटीजन्स होते हैं डेमोक्रेसी में, उनको ये हक होता है कि वो अपनी सरकार चुने, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने। तो उससे क्या होता है, सच कंपटीशन इंश्योर्स द पावर डज नॉट रिमेन, एंड उससे क्या होता है कि पावर एक ही के पास नहीं रहता है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। समटाइम्स क्या होता है, द पावर इज शेयर्ड एट डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़। अगर हम पोलिटिकल पार्टीज़ की बात करें पावर शेयरिंग में, तो पावर शेयरिंग जो है पोलिटिकल पार्टीज़ में कभी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जिस कभी पोलिटिकल पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाती है, यानी मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन कभी माइनॉरिटी, कभी बहुत सारे सरकार, बहुत सारे पोलिटिकल पार्टीज़ जो है मेजॉरिटी हासिल नहीं करते हैं, तो वो मिलजुल के एक सरकार बनाते हैं, जिसको हम कोएलिशन कहते हैं या अलायंस कहते हैं। जैसे हिंदुस्तान में इस वक्त NDA नेशनल डेमोक्रेट BJP हुकूमत है, बहुत सारे उसमें पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ है सेंटर में। या अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ भी हुकूमत थी PDP की और BJP की, वो भी एक कोएलिशन है। तो कोएलिशन में क्या होता है, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है शेयर पावर करते हैं, तो हुकूमत बनाते हैं, तो इस तरह से पावर शेयरिंग होती है। इस और भी कुछ जैसे प्रेशर ग्रुप्स हैं। अब प्रेशर ग्रुप्स कौन लोग होते हैं, ये प्रेशर ग्रुप जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, बल्कि ये अपना जो है अपनी बात, चाहे डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, चाहे एहतजाज करते हैं, और अपनी बात को मनवाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जिनको हम इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहते हैं या प्रेशर ग्रुप्स भी कहते हैं, दे इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग, ये सरकार पे दबाव डाल के अपने जो है अपने अपने फैसले जो है, जो फैसले ये लेते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू। तो प्रेशर ग्रुप्स जो है, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल प्रेशर ग्रुप्स के हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसने डैम की जो कंस्ट्रक्शन थी प्रेशर डाला गवर्नमेंट पे, नर्मदा डैम को रोका, नर्मदा जो रिवर नर्मदा पे हो रहा था, बन रहा था सरदार सरोवर डैम। एंटी लिकर मूवमेंट है, शराब के खिलाफ मूवमेंट चली, या RTI मूवमेंट जो चल रही है, या AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी एक प्रेशर ग्रुप है, मूवमेंट ग्रुप है। या फिकी है, तो फिकी जो है ये जिसको हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये भी एक प्रेशर ग्रुप है। या डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर है, या कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है, या इसी तरह से इजैक है, एम्प्लॉयमेंट जॉइंट एक्शन कमेटी यहाँ कश्मीर में है। तो ये सारे जो हैं ये इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं। ये क्या करते हैं, ये पावर में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं।
चाहे सोशल ग्रुप्स हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या मोमेंट्स हैं, इनकी मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ होती हैं, इनके मुख्तलिफ तौर तरीके होते हैं, अपना सोच होता है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट कैसे, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे शेयर करती है पॉलिटिकल पॉलिटिकल पावर को, या शेयरिंग ऑफ पावर्स कहते हैं, बाय फॉर्मिंग द कोएलिशन गवर्नमेंट, बाय फॉर्मिंग द अलायंस। इसी तरह से प्रेशर ग्रुप्स या मोमेंट जो है, दे इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। वो खुद हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि बाहर रह के उन पॉलिसीज़ पे असर डालते हैं, ताकि गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है उन पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए। तो इस तरह से वो भी पावर शेयरिंग का हिस्सा बनते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, तो वी डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। वी हैव पावर शेयरिंग एट डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट लेवल्स, इन सोशल ग्रुप्स एंड इन पॉलिटिकल पार्टीज, एमंग प्रेशर ग्रुप्स एंड एमंग वेरियस मोमेंट्स। So with this, we end the first chapter of political science, that is the power sharing. In the next coming video, we will discuss the second chapter, that's called federalism. Thank you.